Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। हाल ही में नायरा के 5 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें तेल चोरी करने के लिए चिप लगाकर मशीनें हैक की गई थी। नायरा के 5 पेट्रोल पंपों पर छापे के मामले में जिला पूर्ति विभाग ने 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बृहस्पतिवार को मेरठ के 4 और बागपत के 1 पेट्रोल पंप पर प्रशासन और पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। एसटीएफ का दावा है कि माधोपुरम के मैसर सालासर पंप के मैनेजर संचित गोयल ने डीजल पंप की मशीन में चिप लगाने की बात कबूल की है। पंप पर 5,256 लीटर पेट्रोल कोटे से अधिक पाया गया है, वहीं डीजल 605 लीटर कम दर्शाया गया है। इस मामले में पंप मालिक अवनीश गोयल, मैनेजर संचित गोयल, सेल्समैन सलीम पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए इस मामले में SSP रोहित सिंह साजवान से मिली जानकारी। पेट्रोल पंप पर छापेमारी हुई थी एसटीएफ की और पुलिस के प्रशासन की टीम की, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, कितने पेट्रोल पंप सील किए गए? जनपद मेरठ में कुल अलग अलग जो पेट्रोल पंप पे छापेमारी की गई है उसमें कुल 4 मुकदमे अभी तक पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत, थाना प्रतापपुर के अंतर्गत, थाना इंचौली के अंतर्गत और थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं और कुल 15 व्यक्तियों के ऊपर ये मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त पुलिस हिरासत में हैं, उनका दाखिला किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुछ कर्मचारी हैं और उसमें सेल्समैन भी हैं, तो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। अन्य जो विवेचना के आधार पर चीज़ें निकल के आएंगी वो किया जाएगा। इसमें मुख्य जो प्रकरण है उसमें ये बताया गया है कि जो पेट्रोल पंप में जो टैंक है उसको मैनेज करने वाली मशीन और डिस्पेंसिंग यूनिट में मीटर को रोकने के लिए जो चिप है उसके आधार पर घटतौली करते थे। इस आधार पर छापेमारी की गई है टीम के जो खाद्य जो क्या कहते हैं DSO डिस्ट्रिक्ट जिला पूर्ति अधिकारी और जो STF के द्वारा पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई है और इस आधार पर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और उसमें पूरी जो विवेचना है वो साक्ष्यों के आधार पर आगे की जाएगी। इसमें कुल मिला के जो छापेमारी की गई है वो 10 से अधिक पेट्रोल पंप पे की गई है और अभी तक इसमें जो मुकदमे 4 जो पेट्रोल पंप है उनको अभी सील किया गया। सर, एक ही कंपनी के सारे पेट्रोल पंप और दूसरी जो कंपनी है क्या उनके ऊपर भी जांच चल रही है? ये इसमें जो इनपुट है वो जो सप्लाई अधिकारी जो जिला पूर्ति अधिकारी उनके और STF के द्वारा पुलिस के द्वारा जो टीम बनी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर हैं फिटर मैन है क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई? हाँ, इसमें जो कुछ नामजद अभियुक्त में से सेल्समैन भी हैं, इसमें कंपनी के जो उसके मालिक हैं पेट्रोल पंप के ओनर हैं वो उनका नाम भी है और इसमें जो कर्मचारी हैं उनके नाम भी अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। कंपनी जो सेल्स ऑफिसर है और जो फिटर मैन है उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई? हाँ, इसमें जो भी जिसका भी दोष परिलक्षित होगा, जिसका भी दोष नजर आएगा, उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।